महानदी के अधिकार को लेकर दिल्ली में उड़ीसा के लोगों ने महानदी बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने आंदोलन करने वाले लोगों से खास बातचीत की। इस साल बारिश अच्छी हुई है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, लेकिन महानदी का पानी जो है जिस रफ्तार से आना चाहिए उड़ीसा में वो पानी नहीं आ रहा, क्योंकि काफी चकबांध बना रखे हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके विरोध में यहाँ दिल्ली में काफी सारे लोग आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा पानी, जो लोगों का पानी है, उन तक वापस जाना चाहिए। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, मेन मुद्दा क्या है? देखो, महानदी के अधिकार का मुद्दा है। महानदी केवल किसी एक राज्य की नहीं है, वो देश की नदी है, और देश की जब हम नदी कहते हैं तो देश के राज की नदी, समाज की नदी, और पूरा जो भी इस नदी से जुड़ा हुआ महाजन है उसकी नदी। इस साझी नदी को छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडस लिस्ट को कुल 2000 करोड़ रुपए के बदले 8 बैराज बनाने का परमिशन दिया, और इस पे बैराज बन गए। ये जो बैराज बने हैं, इन बैराजों से सारा नदी का पानी रुक जाता है और नदी का जो फ्लो है नीचे वो नहीं जाता। देखिए, आज का जो हालत है महानदी का और महानदी के आसपास जो नदियां हैं उसका, पास का गांव में भी पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जमीन के लिए पानी नहीं है, जो खेती का काम होता है उसके लिए पानी नहीं है, जो गाय और जो नाचुरा मच्छर है वो तो बुरा हालत हो गया। अभी देखिए, हमारा जो डिमांड है ट्रिब्यूनल करे और हमारा जितना पानी हक बनता है महानदी का, वो पानी छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा। ये जो मुद्दा है, 6 बैरेज जो हुआ है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये लीगल ही नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को आगे आके भी थोड़ा नेशनल इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा। और थोड़ा जैसे ये होता है कि एक देश में दो राज्य होता है, दो राज्यों के बीच में इंडिया पाकिस्तान जैसे लड़ाई नहीं हो सकता, तो भाईचारा भी होना चाहिए।